दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों मैं आया था सुपरतार, तो यहाँ पे मैं वाटिका में घूमने आया हूँ और आपको भी घुमाता हूँ। आइए चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ का नजारा है। यहाँ ये आप देख सकते हैं और इस तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ का है दोस्तों। काफ़ी यहाँ घूमने वाले स्कूल के बच्चे आते रहते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ का कुछ किस तरीके का नज़ारा। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर बना रखी है इसमें। ये देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का है। अगर आपका समय लगे तो ज़रूर आना दोस्तों यहाँ पे। ये इस तरफ मैं चलता हूँ, यहाँ पे मोर की सुंदर प्रतिमा बना रखी है और काफ़ी यहाँ पे घूमने वाले आते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो बचपन में तो कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी तीन बंदरों की, तो गांधी जी के तीन बंदरों की प्रतिमा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये आंखों पे हाथ रख रखे हैं, दूसरी प्रतिमा में दोस्तों मुंह पे हाथ रख रखा है और तीसरी प्रतिमा में कानों पे हाथ रख रखा है। तो ये कुछ इस तरीके की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ये सुंदर डायनासोर की प्रतिमा है, 15 से 20 फुट ऊंचाई की, ये आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखाऊंगा। इस तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा वाटिका का है। तो ये देख सकते हैं हाथी की प्रतिमा भी यहाँ पे है। तो काफ़ी बच्चे स्कूल वगैरह के घूमने आते रहते हैं, ये आते सुंदर नज़ारा यहाँ का आप देख सकते हैं। समय लगे दोस्तों, आपका समय लगे तो ज़रूर आना दोस्तों यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ पे ये प्रतिमा भी बना रखी है, ये देख सकते हैं प्रतिमा, ये आप देख सकते हैं दोस्त। और इस साइड का नज़ारा यहाँ का ये आप देख सकते हैं ऊपर मोर, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं नज़ारा, देखते ही बनता है। तो आइए मैं आपको इस तरफ भी घुमाता हूँ दोनों साइड। पहरेदार खड़े हैं और यहाँ का आप देख सकते हैं तस्वीर शिव की है और यहाँ पे सभी ग्रहों के नाम, ये बुध ग्रह जो प्रतिमा बनी हुई है, उस हिरण की प्रतिमा है और बृहस्पति की प्रतिमा है जो ग्रह होते हैं। यह आप देख सकते हैं शुक्र की प्रतिमा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये शिव की बड़ी तस्वीर है जो ऊपर बनाई गई है, ये राहु। और इस तरफ देखें तो ये केतु है दोस्तों और ये रवि। तो सभी ग्रहों की प्रतिमा यहाँ पे बना रखी है और सुंदरता के लिए हिरण वगैरह आप देख सकते हैं बने हुए हैं, ये मंगल ग्रह। तो आइए बाहर की तरफ चलता हूँ और घर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ का है दोस्त। ये जगह जगह प्रतिमा बनी हुई है, प्रतिमा और बंदर काफ़ी हैं यहाँ, ये देख सकते हैं कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, देखते ही बनता है। और ये प्रतिमा आप देख सकते हैं ढोलक बजाते हुए प्रतिमा, और ये हारमोनियम जो होता है वो बजाते हुए, और ये हाथ में मंजीरे, और ये जिराफ की प्रतिमा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप काफ़ी ऊंचाई में, और बंदर तो काफ़ी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अगर आप आए यहाँ तो अपना सामान वगैरह सुरक्षित रखें। तो आपने दोस्तों देखे होंगे चीकू तो काफ़ी खाए होंगे, ये आप देख सकते हैं ये पेड़ है दोस्तों,
ये चीकू का, ये बंदर झाड़ देते हैं यहाँ से, तो ये पेड़ है। ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों, कछुए की प्रतिमा भी है यहाँ पे, तो ये छोटा ही है और ये बड़ी है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।